बहुत बहुत धन्यवाद अमीश भाई, आपने जो आवाज उठाई वो आवाज आज केंद्र से आ रही है। और मैं भी कहूंगा कि जैनत्व को मानने वाले महावीर के अनुयायी जो सनातनी है और मेरे भाई हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं और केंद्र सरकार का बहुत आभार। आपने उस विषय को हल किया, उस मर्म को समझा जिस मर्म को लेकर के कई मुनि अपने प्राण त्याग चुके थे और कई त्यागने का संकल्प ले चुके थे। तो मैं हाथ जोड़कर आपको आभार व्यक्त करता हूं और अमीश भाई आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस बुलंदी के साथ आवाज उठाई, आपने कहा, और अभी जब मैं चला था तो आपको एक बात बता रहा हूं, सहारनपुर से मात्र इंडिया गेट आने के लिए कि जो मेरे प्रिय भी हैं जैन मुनि आचार्य डॉक्टर लोकेश, उन्होंने कहा था कि आप आइए, हम लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं सुधांशु भाई के माध्यम से कहूंगा, सुधांशु भाई बहुत बहुत साधुवाद हमारा आगे भी पहुंचवाइएगा और सहारनपुर और देवबंद के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी बात अगर जो आप आज्ञा करें तो कह दूं। जी 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 बोलिए। अब मैं विषय पर आता हूं, क्योंकि कल ये वाकई आपने अलग उठाया अमीश भाई, मैं पहली बार देखकर हैरत में था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जैसे आपने अपनी बात को रखा। मैं कहूंगा कि भगवा पर चर्चा चल रही थी, सुरेंद्र भाई है, सुरेंद्र भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं। सुरेंद्र भाई ने कहा कि भिक्षा मेरी यात्रा चल रही है तो मैं उस यात्रा में बहुत मस्त हूं, मैं झगड़ना ही नहीं चाहता। सुरेंद्र भाई मेरी भी यात्रा चल रही है, वो भिक्षा यात्रा है और मैं भी झगड़ना नहीं चाहता, मगर एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, वो भगवा जो कृष्ण और हनुमान जी के रथों पर लगा हुआ था, वो भगवा जो शिवाजी की सेना के ध्वज के रूप में चल रहा था, वो भगवा जिसने कभी आज तक किसी को उंगली उठाकर नहीं देखा, उस भगवा ने किसको मार डाला कि उस भगवा पर आतंक का आरोप लगाया गया। मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है, आप इसका जवाब दें। ओके सुरेंद्र राजपूत। तीन चार चीजें हैं स्वामी जी, आपकी भिक्षा यात्रा चल रही है, आपको बहुत साधुवाद, आप समाज के लिए अच्छा काम करें, सर्वधर्म संभाव के लिए काम करें, हिंदुस्तान के लिए काम करें, हिंदुस्तानियत के लिए काम करें। और उसी सहारनपुर और उसी देवबंद का मैं भी रहने वाला हूं, ननौता की बगल में भारी भापसी मेरा गाँव है, आएंगे तो स्वागत होगा, इस समय लखनऊ में। दो चीजें मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि हम रंग को लेकर के कतई किसी भी तरीके की बहस में नहीं पड़ेंगे, सारे रंग हमारे हैं, सफेद भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, और हम तो लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर बज देह दानव दलन जय 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 कपसूर, हम तो उसको मानने वाले हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभ सुद्रस अजित बिहारी। आपको शायद मालूम नहीं है स्वामी जी कि हमारे यहां लखनऊ की बगल में देवा शरीफ है, देवा शरीफ की आपको होली खिलवाता हूं, आइए। और देवा शरीफ में सारे के सारे संत वहां के भगवा में हैं, सारे देवा शरीफ के सारे जो या वारिस बाबा भी हैं वो भी भगवाई पहनते हैं। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए, आज की डेट में हम रंगों की लड़ाई नहीं लड़ें। इतिहास में अगर कोई कोई शब्द किसी ने कोई कम या ज्यादा कहा है उस पर ना बात करके आगे आइए ना, उत्तर प्रदेश पर बात कीजिए, आगे आगे की बात कर लेंगे। 44,000 की तो बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य क्यों है ये तो बताइए। ठीक है रिजवान अहमद, अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ गई थी, सुधांशु त्रिवेदी और भाई लंबे अरसे थे, सुनो सुनो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रिजवान अहमद, आप इतने बड़े प्रस्तोता हो, आपसे मैं डर जाता हूं। जी 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 ओके, एक सेकंड अमीश खान, मैं आपके पास आऊंगा, अमीश भाई मैं आऊंगा, अजीज खान आपके पास, रिजवान अहमद। अमीश भाई अभी बात कट गई थी जी, एक नई बात जुड़ गई कि किसी को भगवा से परेशानी भी नहीं है, सफेद से भी नहीं है, हरे से भी नहीं है, किसी रंग से नहीं है। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, भगवा सिर्फ रंग नहीं है, उसको हरे सफेद नीले पीले से ना मिलाओ, भगवा इन सबसे ऊपर है ये बोलना सीखो, भगवा सर्वोच्च रंग है, बाकी रंग उसके बाद हैं। जो भाषा भाजपा ने बोली और कांग्रेस को खत्म कर दिया, तो हर रंग से भगवे को ना मिलाओ, पहली बात। वारिस भाई ने एक बात बोली थी, मेरी बात कट गई कि विकास की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात नहीं हो रही, तो नौजवानों तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ, तुम दुनिया की मोहब्बत से आजाद हो जाओ, याद रखो तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। हाँ, तो वारिस भाई का जो नेता है वो अपनी कौम से कहता है कि तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ
और दुनिया के प्रेम से आजाद हो जाओ। वारिस भाई, अगर दुनिया के प्रेम से आजाद होना ही है, अरे तो यार क्या करोगे विकास का, क्या करोगे नौकरी का, क्या मतलब तुम्हें वारिस पठान का जवाब? जी जी वारिस पठान, चार दिन की जिंदगी इबादत करो, आजाद हो जाओ, जन्नत चले जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, भाई, अरे ये अच्छा, तुम्हारा भाई नेता कह रहा है भाई। वारिस पठान जवाब, भाई ने काफी सारी विकास की बात ना किया करो ना। रिजवान भाई जरा जवाब सुन लो ना, रिजवान भाई जवाब सुन लो, हमारे मित्र रिजवान भाई ने बताया, मैं जरा कुछ बोलना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा। अमीश भाई, मौत तो बरसक है एक दिन, आपको हमको सबको आनी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज मेरी तो कल रिजवान की अमीश की सबकी बारी है, एक दिन तो सबको मरना ही है, तो मौत का क्या खौफ करना, ये बोलना गलत है क्या? एक दिन इंसान को मरना है। अभी रिजवान भाई ने कहा रंग रंग में क्या रखा है, उन्होंने बोला कि दुनिया के प्रेम से आजाद हो जाओ, दुनिया के प्रेम से आजाद हो जाओ। मॉल को तोड़ फोड़ दिया बजरंग दल के गुंडों ने, सुनिए ना साहब, रंग रंग के चक्कर में अहमदाबाद के अंदर मॉल के अंदर बजरंग दल के गुंडे घुस गए, तोड़ फोड़ कर दिया, वो सिर्फ रंग के चक्कर में। बेशरम रंग कहां से लाया उसने, वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके, वो गाने के चक्कर में, पठान फिल्म को ब्लॉक करने के चक्कर में। अमीश भाई 30 सेकंड, आप क्या बात करते हो रंग का, अमीश भाई 30 सेकंड, क्या कार्रवाई की? अरे वहां पर नमाज अगर कोई पढ़ लेता उस मॉल में, अमीश भाई 30 सेकंड, तो उस पर FIR हो जाता, जेल हो जाती। अब वहां पे तांडव मचा दिया, पोस्टर जला दिए, उसके ओनर को धमकियां दे दी, पिक्चर नहीं लगाना, इस रंग के चक्कर में तो कर दिया। मगर भाजपा कितने लोगों को अरेस्ट किया, ठीक है रिजवान, रिजवान 20 सेकंड दिया आपको, 20 सेकंड दिए, मैं बता रहा हूं उसी मॉल में मैं कुरान अगर दो रकात नमाज पढ़ लिया भाई, पहले तो जेल में डाल देते ये लोग, बहुत जल्दी अमीश भाई 30 सेकंड जी जी रिजवान, पहले तो जैन समुदाय को मुबारक दे दूं, और जब जैन समुदाय ने समुदाय में तो हमने सपोर्ट किया है, उस पर ट्वीट किया कि समुदाय को हमने पूरा सपोर्ट किया था, तो ये जो मैंने ये बोला था कि ऐसा है ओवैसी साहब, तुम जैनों की छोड़ दो, जैन ना गला काटेंगे ना पत्थर चलाएंगे ना जवान ज्योति तोड़ेंगे, तुम जैनों के ठेकेदार ना बनो, तुम अपनी बात करो और हम अपनी कौम को सुधारें, तुम जैनों के प्रतिनिधि ना बनो। भाइयों ने हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारे अरे जैन यार ना गला काट रहे हैं ना पत्थर चला रहे हैं ना जवान ज्योति को तोड़ रहे हैं, अगर समझाना है तो अपनी कौम को समझाना, जैनों का समर्थन करने, तुमसे कोई जैन समर्थन मांग रहा है क्या? जबरदस्ती जाके माला पहना देते हो किसी को भी यार, ऊपर आप चढ़ जाएंगे, ठीक है। अरे तो जैनों ने क्या तुमसे समर्थन माना था? जैनों का मुद्दा, जैनों का मुद्दा अलग विषय है, उसको इसमें ना लेकर आए हम, कभी कभी सलीम जैनों का मुद्दा अलग विषय है। सुधांशु त्रिवेदी और अजीज खान लंबे अरसे थे इंतजार कर रहे, सुधांशु पहले